जी, एक बहुत ही पावन पुनीत शुरुआत जो है हमारे प्रबुद्ध व्यक्तित्वों द्वारा यहाँ पर हो चुकी है, और एक संकेत भी कि अब आयोजन जो है वो आरंभ किया जा सकता है। जी, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह का उनका पहनावा था, जिस तरह से वो रहते थे, बहुत मुश्किल होता है जब आप करोड़ों लोगों के सामने खड़े हैं, आप पूरे विश्व के सामने खड़े हैं, आप किसी से प्रभावित हुए बिना अपने ही स्वरूप में हैं, आसान नहीं होता। आप देखिए कि हम कामयाबी की एक भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने पहनावे में बदलाव करते हैं, हम औपचारिक होते चले जाते हैं, हम अनौपचारिक नहीं रहते, हम बहुत सारे लबादे शायद ओढ़ लेते हैं, हम अपने आप को खूबसूरत दिखाने के प्रयासों में लग जाते हैं, लेकिन फकीरी जो है ना, दीक्षित साहब का शेर है कि अलग ही मज़ा है फकीरी का अपना, न खोने की चिंता न पाने का डर है, अलग ही मज़ा है फकीरी का अपना। तो फकीरी का तो अलग ही आनंद होता है, ऐसे ही फकीर थे गांधी। फकीर होना आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान, जब आपके पास तमाम संसाधन एक चुटकी बजाते उपलब्ध हो सकें, उस समय आप अपने आप को अगर फकीर बनाए रखते हैं तो यकीन मानिए आपने अपने तमाम इंद्रियों पर काबू पा लिया है, आपने अपने आप पर काबू पा लिया है। और जो व्यक्ति अपने आप पर जीत पा लेता है ना, वो सबसे बड़ा नायक होता है। गांधी एक नायक नहीं, महानायक रहे हैं। गांधी जैसे व्यक्तित्व सदियों सदियों में कोई होते हैं, इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली नस्लें शायद ही इस बात पर यकीन कर पाए कि यहाँ पर हाड़ मांस का एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ था, चलता फिरता इंसान भी हुआ था जिसे गांधी कहते थे। गांधी होना आसान नहीं है। आज जो एक हवा चली है ना कि हम बिना सोचे समझे विरोध के आलम में उतर आते हैं बिना पढ़े, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतिहास को खंगाले बिना, इतिहास को जाने बिना कुछ भी कह देना हमारी फितरत में शामिल हो गया है, ये गलत है। तार्किक बातें कीजिए, तर्क सहित अपनी बात रखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। और कहा जाता है ये आज़ादी का जो आंदोलन चला था, जो इतने दिनों तक चला और इतने लंबे अरसे तक इतने लोगों ने अब इसमें अपना योगदान दिया, इतने लोग शहीद भी हुए, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण इकाई था, तभी आज हम स्वतंत्र हैं, तभी हम आज़ादी की आबो हवा में अपने आप को आराम से महसूस कर पा रहे हैं। तो उस जज्बे को, उस सोच को समर्थन देना ज़रूरी है, उन आहुतियों को नमन करना ज़रूरी है, और जो जो व्यक्ति पूरे एक काफिले को लेकर के चले उन सब के प्रति कृतज्ञ होना जरूरी है, और गांधी जी के प्रति कृतज्ञता होनी ही चाहिए। तो खैर, हम आगे बढ़ेंगे, आयोजन में बहुत सारी बातें भी होंगी, लेकिन अभी आगाज करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय परिवेश में कोई भी आयोजन जब आरंभ होता है तो माँ शारदे का आह्वान आवश्यक होता है, तो माँ शारदे का स्मरण करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। मैं आमंत्रण देती हूँ रोमी माथुर जी को, और रोमी माथुर जी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो कवित्री भी हैं, वो संगीतकार भी हैं, वो प्रवक्ता भी रही हैं MMH कॉलेज में, और वो समाज सेवी भी हैं और राजनीति से भी संबद्ध हैं। जी हाँ, इतनी सारी खूबियाँ जिनके भीतर हैं, ऐसी रोमी माथुर जी प्रस्तुत करने आ रही हैं सरस्वती वंदना, और हम उनका स्वागत कैसे करेंगे, क्या बात है, थोड़ा सा और स्वर बढ़ा दीजिए तालियों का। हाँ जी, तबले पर जो सहयोग करेंगे वो मंच पर आ जाएं प्लीज। संगी साथियों को आह्वान कर रही हैं रोमी जी। हाँ, मैं क्यों कह रही थी आपको कि तालियां जोर से बजानी चाहिए, पता क्या, इस ये भी एक एक्सरसाइज है, हम जोरों से जब तालियां बजाते हैं तो ये नर्व्स जो हैं हमारी, ये तो दबती ही हैं, साथ ही एक कहते हैं कि ऊर्जा का निस्तारण होता है, और वो ऊर्जा जो होती है ना, सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैलती है। ये भी कहा जाता है कि जब आप घर में बहुत दिनों से नैराश्य महसूस कर रहे हो ना, उस दौरान ताली बजा करके देखिए, सकारात्मकता का माहौल बनता है, तो ये सकारात्मकता आप ही दे सकते हैं। और वैसे भी तालियां बजाने से, ये भी गुस्सा हो गया, तालियां बजाने से चेहरे पर नूर आता है, देखो महिलाएं समझ गई, तो ब्यूटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, जोरदार तालियां बजाइए और कार्यक्रम का एक बेहतरीन आगाज जो है यहाँ पर कीजिए। माशा
राधे को नमन करती हूँ और मंचपाल मंचासीन सभी को गरिमा में उपस्थिति पवन सिन्हा जी सर को और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आपके सामने गणेश वन सॉरी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही देववाणी संस्कृत में। जया जया हे भगवती सुरे भारती चरणों बात है। कैसी लगी है आपको ये सरस्वती वंदना? तालियां तो कम है, लग नहीं रहा कि बहुत अच्छी लगी। इतनी खूबसूरत पेशकश पर इतनी सी तालियां, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। क्या बात है, क्या बात है, क्या आधे हाथ तो मोबाइलों ने बांध रखे हैं।
स्वतंत्र हो जाइए मोबाइलों से, या सोशल मीडिया की दुनिया, ये तमाम जितने समीकरण आपके चलते रहते हैं ना, जिनमें अस्त व्यस्त और अति व्यस्त हुए रहते हैं आप लोग, उनसे बाहर आइए और थोड़ी देर के लिए सिर्फ यहीं के हो जाइए। जब आप सिर्फ यहीं के हो जाएंगे ना, तो आनंद की अनुभूति तब होगी, कार्यक्रम का असल आनंद तभी ले पाएंगे आप। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्थान समिति की ओर से जो है ये कार्यक्रम गांधी एक सोच एक जागृति जो है आयोजित किया जा रहा है, और उत्थान समिति यानी कि आशा की एक किरण, एक सामाजिक सांस्कृतिक और एक गैर लाभकारी संगठन।